अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीरी स्टूडियो के साथ आपका दोस्त आपका होस्ट राजा रिफाकत हुसैन आपके सामने हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ SP ज़िला जलन वैली खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक हादसा हुआ है अभी नैली के मकाम पर, इन्हीं का एक साथी पानी का पाइप जोड़ते हुए या इस तरह से वो गिर गया वहाँ से, तो उस पर हम आज ये सारा महकमा इनका यहाँ हाजिर है मौजूद है, तो इन्हीं से पूछेंगे। तो ये नाकिस निज़ाम यहाँ पानी का है जिसकी वजह से आया दिन कोई ना कोई हादसे हो जाते हैं, तो आज एक जान भी चली गई है, तो इस पर आप आवाम को क्या रद्द अमल देना चाहेंगे और इस महकमे के बारे में आप क्या कहेंगे? जी थैंक यू सो मच। जैसे कि आपको पता है कि सुबह एक बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ ये नैली के मकाम पे। वो कल चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो उससे जो चश्मे का पानी आ रहा था वो पाइप जो लगा हुआ था वो कहीं डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये सुबह हमारे दो जवान, इसमें एक हेड कांस्टेबल है और दूसरा जो हमारा कांस्टेबल है, ये वहाँ पे उसको कनेक्ट करने के लिए गए। वो काफ़ी चूँकि गहरा है तो ये दोनों उस तरफ गए तो बारिश भी थी तो मट्टी नरम हुई थी, उसका एक तोदा नीचे आया और जो ऊपर पहाड़ के ऊपर पत्थर थे वो आके डायरेक्टली इनको हिट किया। अब अनफॉर्चुनेटली वो जो पत्थर ऊपर से आए वो डायरेक्टली इसके सर को हिट किया, तो हमारे हेड कॉन्स्टेबल हैं जो हमारी वहाँ पर चेक पोस्ट बनी हुई है उसके इंचार्ज हैं, वो मौके पर शहीद हो गए वहाँ पे। और जो दूसरा हमारा कांस्टेबल है बासित, वो उसको बड़ा इंजरीज आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ है। जो ही हमें पता चला तो वहाँ पे हम सारे पहुँच गए और वहाँ से उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया। और जो दूसरा हमारा साथी ज़ख्मी हुआ उसको लेके हॉस्पिटल में आया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो बेहतर पोजिशन में है। जी तो आपका हम पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे जलन वैली में आपकी आमद। आप माशाल्लाह जवान भी हैं और आप दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं, तो हम मैं आपको देखकर हैरान हुआ हूँ क्योंकि यहाँ इससे पहले जितने भी सख्त से सख्त अफसर आए हैं तो वो खामोशी से आए हैं, कुछ झटका दिया और वापस चले गए, तो ये हमारी इस यहाँ आवाम का कोई परेशान हाल नहीं कर गए हैं। यहाँ पर तमाम जो काम हुए हैं वो सिर्फ कागजी हुए हैं। आप अगर ग्राउंड रियलिटी पे आएंगे तो आपको एक चीज़ भी नहीं मिलेगी, जो जैसा कि आपने आते साथ ही एक वो वहाँ पे बोर्ड लगाया बाज़ार के अंदर, तो वो भी एक किस्म की फॉर्मेलिटी है ना, ग्राउंड रियलिटी तो है नहीं है कि जिसके ऊपर आप रख के किसी को कहेंगे कानून को फॉलो किया जाए। तो यहाँ कानून बहुत पेचीदगी से चल रहा है, तो आप इस मुश्किल हालात के अंदर इन ब्यूरोक्रेटों के अंदर रहते हुए आप किस तरह से इनको हैंडल करेंगे? देखें अभी तो ये एक ऐसा वाक़या हुआ है जिस पे हम सारे अफसरदा हैं कि हमारे जो साथी हैं वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। तो जो दूसरे आपने सवालात किए हैं वो बेसिकली आवाम के जो मसाइल हैं जो पुलिस से रिलेटेड हैं वो हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। वो सिर्फ इस हद तक नहीं होगा कि लोगों को नज़र आए और उसके बाद काम कोई ना हो, हम जो काम करेंगे वो प्रैक्टिकली काम करेंगे, और जो हम काम कर रहे हैं वो आप किसी और वक्त मेरे पास आइएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा और वो ग्राउंड रियलिटी होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि तस्वीरें बना के तो आपने लोगों को दिखानी और उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, ऐसा मामला नहीं है। हम जो कर सकते हैं आवाम की खिदमत के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, जो गरीब आदमी हैं उसके जो मसाइल हैं जो पुलिस से मुतल्लिक हैं उसको हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे, मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। बहुत मेहरबानी।